इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता भाई। बोल दो भाई, ये देखो सब सारे सो रहे हैं। ये देखो, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। ये देखो ऐसी हमारा रूम है मुंबई में भाई। मेन क्या होता है, लेटरिन बाथरूम। ये देखो ऐसा कुछ हमारा लेटरिन बाथरूम है। ये देखो गाइस, ऐसी सी गलियां हैं। मतलब अगर मैं जाऊंगा तो मैं पक्का खो जाऊंगा। ऐसी सी गलियां हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता हूँ मैं ना। पतली पतली गलियां आपको हर पूरे मुंबई में मिलेंगी। ऐसा नहीं सिर्फ इसकी जो कॉस्ट है गाइस, क्या होता है कि अगर आप एक महीने के लिए मुंबई आओगे ना, तो आपको रूम कोई नहीं देगा, पूरे मुंबई में भगा देंगे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो गाइस, एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। तो गाइस, मुंबई सबका सपना होता रहने का। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला मुंबई में मेरा घर। भाई घर तो नहीं है, रूम है, छोटा सा, वो भी रेंट पे लिया है। तो मेरा रूम कैसा है, और आप अगर कोई भी मुंबई आते हैं तो आपको रूम कितने का पड़ेगा, रूम कैसा होगा, कितने पैसे में कैसा रूम मिलेगा, ये सारे कुछ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि भाई आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप सबकी झुग्गियाँ दिखा दें, झोपड़ी दिखा दें, घर दिखा दें, अपना रूम दिखाओ जहाँ पे तुम रहते हो। तो मैंने कहा चलो भाई, आज मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम टूर, वो भी मुंबई का। तो चलते हैं और आज के पार्ट ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सारा कुछ दिखाऊंगा भाई, रूम में क्या क्या है, कैसा क्या है, कितना प्राइस का है, कैसे आप ले सकते हैं। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा माहौल है हम जहाँ पर रहते हैं, खुली खुली हवाएं, ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ शोर शराबा नहीं है, खुली हवाओं में। और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, जो बिल्डिंग रहसा बिल्डिंग है, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। अभी इतनी औकात नहीं बनी कि भाई हम सेलिब्रिटी वाली बिल्डिंग में रह सकें, तो अभी हम गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं हम भी। तो चलते हैं फटाफट, आपको ले चलता हूँ कहाँ पे रहता हूँ, कितनी पतली पतली गलियों के बीच हमारा रूम है। आ जाओ चलते हैं फटाफट, क्योंकि यार अब वहाँ जाने की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि भाई हम भी सेलिब्रिटी के साथ वहाँ बड़े बिल्डिंग में रहें, वो तो अभी नहीं। लेकिन छोटा मोटा है रूम, दिखा देते हैं चलो। और गाइस, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पास में ना मछली का बहुत बड़ा कारोबार है। जैसे कि आपको शायद वीडियो में देख भी लिया होगा, ये तो कितने बड़े बड़े जहाज हो ना, ये सब भंगार में खड़े हैं। और इनको आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई जहाज जो कब्रिस्तान बोल सकते हैं, जो एक कब्रिस्तान के माफिक यहाँ पे खड़े हैं। देखो कितने सारे जहाज हैं। बाकी सूरज की लाइट आ रही तो आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखो कितने सारे जहाज यहाँ पे कब्रिस्तान के माफिक खड़े हैं, भंगार हो गए भाई। देखो कितने सारे बोट वगैरह, सारा कुछ यहाँ पे सिस्टम जमा पड़ा हुआ है पूरे में। आपको सिर्फ जहाज़ ही जहाज़, क्योंकि मछुआरे यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ। चलो फटाफट रूम ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई रूम कैसा क्या। तो गाइस, हम जहाँ पे रहते हैं उस गली का नाम है मामूली गली। ये देखो ये कुछ ऐसा गली है, और यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। ये देखो मतलब साफ सुथरी गली है, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगा, मेडिकल वगैरह, आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो अंदर ले चलते हैं, यहाँ पे हमारा रूम है भाई। कुछ ऐसा है भाई, बाकी गली वगैरह तो ऐसे ऐसे आपको पतली पतली मिलेंगे इधर भी। बाकी हम जहाँ पे रहते हैं तो इस रास्ते में तो ठीक ठाक है, बाकी आगे आपको मैं दिखाता हूँ। फ्रूट वगैरह चाहिए तो भैया के पास आ जाना, ठीक है। ये देखो सुबह सुबह फ्रूट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब्जी वेजिटेबल सब कुछ मिल जाएगा भाई इधर। तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी वाली गली। ये देखो यहाँ से सीधा अंदर जाना पड़ता है जहाँ पे मेरा रूम है। तो दिखाता हूँ भाई, मैं भी रहता हूँ पतली पतली गलियों में। अभी तक आपको मैंने दिखाई थी धारावी की गलियाँ पतली पतली, अभी मैं दिखाता हूँ अपने रूम की पतली पतली गलियाँ। ये देखो भाई कुछ ऐसा हमारा रूम का, जहाँ से हम डेली जाते हैं, और ये बड़ा सा एंगल रोज बच के जाना पड़ता है भाई, कहीं सर ना फूट जाए। ये देखो भाई ऐसे पतली पतली गली है, और गली में यहाँ पे एक छोटी सी किराने की दुकान है, यहाँ से हम सामान लेते हैं, और यहाँ से भाई लेफ्ट जाना पड़ता। ये देखो ऐसा कुछ है। चलो भाई अंकल जी, तो भाई देख सकते हैं ऐसे आपको हर जगह मिलेगा, जैसे कि आपको धारा भी मिला था ना, और हमारे इधर भी आपको लोखन का सब मिलेगा जीने वगैरह ऊपर जाने के लिए। ये देखो अब पूरी इधर से इधर वहाँ तक गली चली गई है, और इधर भी देखो गली वगैरह, और यहीं पे है हमारा रूम। चलो भाई, हाँ भाई क्या हाल चाल, ये गरीब लोग भी बैठे इधर ये भाई बैठे हैं, और ये भाई का इधर, भाई के इधर रूम है, और जस्ट सामने हमारा रूम ये इधर। देखो गाइस, यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे ना तो हमारा रूम मिल जाएगा। तो चलो दिखाते हैं भाई, अभी सबका मैंने रूम दिखाया आपको, भाई का भी रूम दिखा दिया था, अभी बारी आई हमारे अपने रूम की, और उसके बाद सब कुछ बताएंगे कितना क्या प्राइस वगैरह है। चलो भाई, इन्हें सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता भाई, बच बचा के चलना पड़ता, क्या करें भाई मुंबई है। आजा 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 आजा, ये देखो जूते वगैरह, ये दरवाजा हमारा। हाँ भाई खोलो, मेहमान आए, गेस्ट आए भाई, यूट्यूब फैमिली आई पूरी, खोलो। अभिषेक सो रहे हैं लग रहा, पता नहीं क्या कर रहे, समझ ही नहीं आ रहा इन लोग का।
सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और मैं सुबह ही सुबह आज निकल गया। चलो। हाँ भाई, अरे खोलो यार, खोल दो भाई। ये देखो सब सारे सो रहे हैं, ये देखो एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, सब सो रहे हैं भाई। उठ जाओ यार, 8 बज गई, निकलो। एक इधर अब्दू जी सो रही है, अभिषेक इधर सो रहा, समझ रहे, मतलब इनको तो दिन भर सोना ही रहता है। बाकी देख सकते हैं ऐसा कुछ हमारा रूम है, ये देखो ऐसे ही हमारा रूम है पूरा। कि यार यहाँ सारे बॉयज़ रहते हैं ना, सब बिखरा पड़ा हुआ है, ये कोई इधर इधर सो रहा है, ये चढ़ाई पे सो रहा, वो अपना सो रहा, तो ऐसा है। ज़्यादा कुछ ख़राब रूम नहीं है, ऊपर पानी की टंकी रखी पड़ी है। और मैं आपको इधर दिखा दूँ, ये देखो इधर यहाँ पे किचन वगैरह है, यहाँ पे हमारे बैग्स वगैरह रखे पड़े। भाई सामान तो पूरा बिखरा पड़ा है, यहाँ पे पानी की बॉटल्स वगैरह, पानी वगैरह आता है, टंकी का पानी इसमें आता है, जब पानी कभी आता है तो भरने वाला तो लाइव इसमें आता है, मतलब ये देखो ऐसा कुछ है। चालू कर दिया क्या मैंने? चलो अभी मैं आपको दिखा दूँ मेन चीज़, क्योंकि मुंबई में भाई मेन क्या होता है, लेटरिन बाथरूम। ये देखो ऐसा कुछ हमारा लेटरिन बाथरूम है, ये देखो यहाँ पे नहाना और यहाँ पे टॉयलेट करना, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ रूम वगैरह है हमारा, ये देखो देख रहे हैं, ये देखो भाई। तो भाई साहब अब कोई कमेंट मत करना कि भाई आपने अपना रूम नहीं दिखाया, दिखा दिया ना भाई, दिखा दिया। तो भाई साहब ये रूम है हमारा, और पानी वगैरह भी आता रहता है, पंखा। अगर आप रूम वगैरह लोगे ना तो आपको पंखा वगैरह नहीं मिलता, लेकिन जो हमारे मकान मालिक है ना वो दिल के बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने पंखा लगा के दे दिया। और रूम काफ़ी अच्छा है, टाइल्स वगैरह लगे हैं और दीवारों में पेंट है, लाइट बल्ब, और ऊपर ये बना हुआ है 2 मंजिले टाइप का, जो भी बोलते हैं उसको। यहाँ पे सामान वगैरह भी आप रख सकते हो। तो गैस अब मैं बात करता हूँ मेन चीज़ की, इसकी जो कॉस्ट है। गैस क्या होता है कि अगर आप 1 महीने के लिए मुंबई आओगे ना तो आपको रूम कोई नहीं देगा, पूरी मुंबई में भगा देंगे। अगर कोई देगा भी ना तो इतना महंगा देगा, 12,000, 13,000, 10,000, इससे नीचे नहीं देगा कोई। तो हमें प्लान, हमारा क्या प्लान था, खाली 1 महीना रुकने का था मुंबई में। तो हमने बात की, हमारे जो दोस्त ने बात की, तो अंकल ने 8,000 रुपये, इससे रूम का रेंट 4,000 रुपये डबल लिया हमसे, 8,000, और बिजली का बिल वगैरह सब कुछ ऐड करके पूरा टोटल 10,000 रुपये हमने उस मंथ लिए। लेकिन जब हमने अंकल से बात किया कि भाई हमें प्रॉपर अभी रहना है, तब जाके हमको ये रूम पड़ा 4,000 रुपये में। 4,000 रुपये का रूम है ये, इतना अच्छा रूम देखोगे, 4,000 का रूम है ये। मुंबई में मिलेगा आपको 4,000 में रूम? मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत सारे रूम देखे हैं, लेकिन ऐसा रूम तो भाई बिल्कुल नहीं मिलने वाला जहाँ पर टाइल्स लगी हो, दीवारों में टाइल्स लगी हो, किचन बाथरूम लैटरिन हो। क्योंकि आपको भाई रूम तो मिल जाएगा, रूम पक्का मिल जाएगा, लेकिन उस पर लैटरिन बाथरूम नहीं मिलेगा, जिसकी दिक्कत होती है यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलेगा जो कि हमारे रूम पे है, टाइल्स है। बाकी हमने ज़्यादा सामान नहीं लिया, क्योंकि हम लोग मुसाफिर आदमी, कल यहाँ पल वहाँ, तो हमने कहा जैसा है बस एडजस्ट करना, क्योंकि हमें सोना ही खाली होता है। जिस तक ये सो रहा, एक बंदा ये सो रहा इधर, एक ये सो रहा, समझ रहे, दोनों सो रहा है। तो मैंने कहा चलो आज आपको अपना रूम टूर दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे। बाकी और भी दिखा देता हूँ, यहाँ से पानी वगैरह आता, और यहाँ पे छोटी सी हम जहाँ पे हम लोग जहाँ पे कपड़ा वगैरह फैलाते हैं, ये देखो आ जाओ आ जाओ। चलो भाई ये देखो भाई, ये थोड़ा एरिया जहाँ पे हम लोग आके बैठ जाते हैं और कपड़े वगैरह जब धुलते हैं ना, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह फैला देते हैं। बाकी कुछ ऐसा माहौल है जहाँ पे हम रहते हैं, ये देखो। ऐसा नहीं कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता हूँ मैं ना, जैसे धारावी की मैंने झोपड़ियाँ दिखाई थी, उस टाइप की झोपड़ी नहीं है, थोड़ा अच्छा इलाका है। क्योंकि ये जो मड आइलैंड वाला इलाका है, थोड़ा यहाँ पे फिल्मी सितारे जो हमारे यहाँ ज़्यादा रहते हैं, और खुला माहौल है, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, ज़्यादा क्राउड नहीं है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, तो एक अच्छा इलाका है जहाँ पे हम रहते हैं। बाकी अगर आप ये चीज़ के लिए बोलोगे तो भाई मुंबई में टोटल हर घर में ये टाइल्स होंगे, पत्थर होंगे, आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा भाई। घर में एसी होगी, लेकिन आपके घर में ये सीमेंटेड वाला ज़रूर होगा भाई, ये ऐसा। तो आप इसको भाई माइंड मत करना कि अरे यार ये भी तुम्हारा भी झोपड़पट्टी वाला ये वाला, ये हर घर में होगा भाई, हर घर में। पहला मंजिल तो आपको वो मिल जाएगा, लेकिन सेकेंड वाला जो होगा वो आपको यही मिलेगा। जो नीचे कितना अच्छा घर है, लेकिन ऊपर वाला जो क्या है आपको खपरेल मिलेगा, देखो देख रहे हैं, ये देखो। बाकी चलो और नीचे आपको घुमा के लाता हूँ, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे क्या ना पतली पतली गलियाँ खूब सारी, तो चलो आपको थोड़ा दिखाता हूँ कैसे। इधर भी हमारी धारा भी से कम नहीं है, है थोड़ा बहुत, आ जाओ दिखाता हूँ। बाकी ये देखो गाइस, ऐसी ऐसी गलियाँ हैं, मतलब अगर मैं जाऊँगा तो मैं पक्का खो जाऊँगा, ऐसी ऐसी गलियाँ हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं क्या ना एकदम से नया हूँ यहाँ पे, मुझे मालूम नहीं, और मैं कहीं ज़्यादा जाता भी नहीं, सिर्फ अपने रूम पे या बाहर। देखो इधर जाओगे पूरी गली 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 गली, इधर जाओगे पूरा गली गली गली। तो भाई मैं तो एकदम से खो जाऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा मैं आपको दिखाने वैसे यहाँ तक आ गया।
ये देखो इधर भी पूरी गली, इधर गली देख रहे हैं, ये देखो पूरी गली 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 की गली। आ जाओ देखो इधर भी पूरी गली, इधर गली गली, पूरी लंबी लंबी गली चली जा रही, गली गली में लोग रहते हैं, देख रहे हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा आगे तक आप घुमा के लाता हूँ कि भाई जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ का माहौल कैसा है। तो भाई इधर भी गली वाला एरिया है लेकिन बस थोड़ा क्या जगह ज़्यादा है, और बस जैसे थोड़ी दूर पे बस आपको मेन रोड मिल जाएगी, उसके बाद फिर आपको बीच वगैरह, तो अच्छा माहौल है पूरा, ठीक है। ये देखो भाई कैसी कैसी गली, अगर जहाँ पर मैं रहता हूँ ना वहाँ पर ज़्यादा पतली गली नहीं है। ये देखो इधर भी आ जाओ, पर रास्ता थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि पहले मैं भूल जाऊँ रास्ता, खो जाऊँ इधर ही। ये देखो ये लोखंड के पूरे सीधे सीधे जीने चले गए, देखो ऊपर यहाँ पे कोई कहाँ कहाँ से लोग आते हैं रहते हैं भाई। ये देखो देख रहे हैं पतली पतली गलियाँ आपको हर पूरे मुंबई में मिलेंगी, ऐसा नहीं सिर्फ धारावी में मिलेंगी, हर जगह यार यही पूरा माहौल ही है मुंबई का पूरा, समझ रहे हैं। ये देखो चलो भाई दिखा दिया मैंने आपको अपना रूम वगैरह सब कुछ, तो कैसा लगा रूम भाई? रूम का रेंट जो है ना 4,000-3,700 ऐसा मिलेगा, बाकी अपने डील के ऊपर है, और हमने कोई डिपॉजिट नहीं दिया इसलिए थोड़ा महंगा पड़ गया, हमें 4,000 का पड़ गया, डिपॉजिट दे दो तो हमें पड़ जाता भाई 3,700 रुपये का पड़ जाता, समझ रहे हैं। ये देखो भाई गली वगैरह घूम घाम के भाई फिर से अपनी गली में ही निकल आया, मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपनी गली में आ जाऊँगा। तो भाई सब कैसा लगा रूम मेरा एक प्यार से कमेंट कर देना, बाकी रूम ठीक ठाक है आपने देखा, अच्छा रूम है, बाकी अगर आप आते हो तो भाई देख लो, बाकी मुंबई में रहना है तो भाई डिपॉजिट वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट पड़ेगा और 4,000-5,000 में ऐसे रूम मिल जाएगा। तो रूम कैसा लगा पहले कमेंट करो फटाफट, ठीक है। ठीक है मतलब गुजारने के लिए मुझे टाइल्स वगैरह लगे, लेटरिन मोस्ट क्या है भाई, बाथरूम लेटरिन बाथरूम साफ सुथरा टाइल्स लगे हुए हैं। तो कैसा लगा वीडियो प्यार से कमेंट करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, मेरा मकसद पूरा हो गया भाई, अपने अपना रूम दिखा दिया मैंने, ठीक है आपको। नहीं बाद में बोल रहा था कि भाई ये धारा भी दिखाता है तू, यहाँ दिखाता है भाई, अपना भी रूम दिखा, तुम कहाँ रहते हो, तुम कितने पानी में हो, ठीक है। चलो भाई टाटा बाय, लव यू, रूम आ चुके हम फिर से, ओके बाय बाय, लव यू। कैसा लगा रूम कमेंट करना, और इन सीढ़ियों में बचा बचा के चलना पड़ता है, नहीं तो भाई ये जो है लग जाता है यार ये। चलो टाटा बाय, लव यू।